स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान कब लागू होंगे? ए. 1 जनवरी 2023, बी. 1 जुलाई 2023, सी. 1 जनवरी 2024, डी. 1 जुलाई 2024। आंसर डी. 1 जुलाई 2024। एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश के 3 नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान 1 जुलाई 2024 को प्रभावी हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उसकी जगह अब यह नए तीनों कानून ले लेंगे। अगला प्रश्न। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ए. होमोसेप एकम, बी. रोबोक्लिना 1.0, सी. सेनिटेक प्रो, डी. स्वच्छता एकम। आंसर ए. होमोसेप एकम। एक्सप्लेनेशन। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमोसेप एकम है, का उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। इसकी क्षमताओं में व्यापक ब्लेड सफाई, ठोस अपशिष्ट डिसिल्टिंग, सक्शन और भंडारण शामिल है, सभी एक डिवाइस में एकीकृत है। अगला प्रश्न। पंकज उधास किस लिए प्रसिद्ध थे? ए. बॉलीवुड आइटम गाने, बी. शास्त्रीय संगीत, सी. गजलें, डी. पॉप संगीत। आंसर सी. गजलें। एक्सप्लेनेशन। अनुभवी गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद 26 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। पंकज उधास अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें नाम से चिट्ठी आई है, मोहरा से, ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग, एक तरफ उसका घर और आहिस्ता जैसे हिट गाने शामिल हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? ए. पंजाब सरकार, बी. असम सरकार, सी. गुजरात सरकार, डी. केरल सरकार। आंसर बी. असम सरकार। एक्सप्लेनेशन। असम सरकार ने हाल ही में राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के तहत फैसला लिया गया है। राज्य के मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने कहा कि इस फैसले से राज्य में हो रहे बाल विवाह रुकेंगे और अब से असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न। 23 फरवरी को नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड इवेंट के कौन से संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी? ए. 51वें, बी. 61वें, सी. 71वें, डी. 81वें। आंसर सी. 71वें। एक्सप्लेनेशन। 23 फरवरी को नई दिल्ली में 71वें मिस वर्ल्ड इवेंट, मिस वर्ल्ड 2024 इवेंट की ओपनिंग सेरेमनी हुई। यह इवेंट 28 साल बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो कि आखिरी बार 1996 में हुआ था। यह मिस वर्ल्ड 2024 के सभी कॉम्पिटिशन देश के अलग अलग शहरों में होंगे और फाइनल इवेंट 9 मार्च को मुंबई के जियो कन्वेंशन मॉल में होगा।